नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार में। अगर आप लोगों के पास टाटा टियागो है, नई या पुरानी कोई सी भी, अगर उसमें इस तरीके का सिस्टम है तो आपको कनेक्ट नेक्स्ट लिखा हुआ जरूर दिख जाएगा। कनेक्ट नेक्स्ट क्या है कि ये वाला सिस्टम आपको टाटा की तरफ से मिलता है और इसमें टाटा अपना एक ऐप है कनेक्ट नेक्स्ट करके, उसको लिंक करने का ऑप्शन देती है, उस ऐप का सपोर्ट देती है, जिससे कि आपको इस वाले ऐप में अगर आप देखेंगे मेन्यू में FM रेडियो म्यूज़िक और नेविगेशन जो है इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब ये कैसे काम करता है, कितना काम करता है, कैसे कनेक्ट करें और आखिर में कितने काम का है, वो सारी बातें इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, आप कनेक्ट नेक्स्ट यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा ऐप का, और प्ले स्टोर पर आप लिखेंगे कनेक्ट नेक्स्ट करके तो आपको यहाँ पर ये एक ऐप देखने को मिल जाएगा। इसे आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे यहीं से ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद सारी परमिशंस दे देनी है, और परमिशन देने के बाद कुछ इस तरीके का इसमें इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो अब मैं इस पर गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है, होल्ड ऑन करने को बोलता है, तो रुक जाना थोड़ी देर, बाकी फिर इसमें ब्लूटूथ से कनेक्शन करना रहता है। अरे मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट नेक्स्ट करके आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro कनेक्टेड दिखा रहा है। और ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसे ओके कर लीजिए। यहाँ पर इसने टियागो XZ करके इसे अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया है। टियागो XZ यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपकी सारी अपेक्षाओं पर यहाँ पर पानी फिरने वाला है। आपको लगा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, उल्टे ही बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने को बोलता है, जैसे कि यहाँ पर नेवी मैप्स, स्मार्ट मैनुअल, टाटा मोटर सर्विस, और एक और आता था इसमें ज्यूक बॉक्स करके, वो अब वो भी नहीं आ रहा है। सो सर्विस के नाम पे तो रद्दी लगा मुझे। अब नेवी मैप्स है, यहाँ पर नेविगेशन जो ऑप्शन आ रहा है ये कितने काम का है थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं। तो इसे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। ये अभी ओपन हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको, मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा था, और डाउनलोड करने के बाद ये डायरेक्ट लोकेशन वगैरह देखने को बोलता है, लेकिन उससे पहले आपको आपके एरिया का इसमें पर्टिकुलर मैनेज मैप करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको आपके एरिया का मैप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसकी खासियत ये है कि ये ऑफलाइन भी वर्क करता है, इसमें आपको ऑनलाइन ज़रूरत नहीं रहती कि आप इंटरनेट चालू ही रखें, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का पूरा मैप डाउनलोड करके रखा है, आप अपने राज्य का के हिसाब से अपना मैप डाउनलोड करके रख सकते हैं, या ओवरऑल इंडिया का भी आप पूरा मैप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वाले मैप की खास बात ये है कि साला, एक तो आप देखें, मैं यहाँ पर फ़िलहाल जैसे मैं भोपाल में हूँ और ये यहाँ पर अभी कनेक्टेड है। अब मैं इसे इंदौर के लिए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो नेविगेशन देखते हैं कैसा क्या बताता है ये। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर नेविगेट करने का ऑप्शन आ रहा है, और ये इसने 1-2 पूरा भोपाल का बता दिया है। ओके डिपार्चर करते हैं। सो ये इसने डायरेक्शंस बताई है, और अब मैं अपने हिसाब से आपको यदि डायरेक्शंस बताऊँ, ट्रैफिक में घुसने का बोल रहा है, शॉर्टकट रोड ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा रोड अच्छा है, मुझे पता है क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस वाले रोड को छोड़कर ये अपना अलग ही एक रोड बता रहा है। सो ये इसमें हैं काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, और ऊपर से जब आप थोड़े बहुत समय इसे यूज़ कर लेंगे, अगर पहली बात तो आप इसे यूज़ कर नहीं पाएंगे इस रद्दी ऐप को, और यदि आप यूज़ कर लेंगे तो आपको बोलेगा कि इसका प्रो वर्जन लो और उसमें पैसे अलग से लगाओ। सो मुझे, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार वाहियात सा ऐप लगा। अब यहाँ पर मैंने इसका नेविगेशन ऑन कर दिया है, यहाँ से राइट में मुड़ने का बोल रहा है 187 किलोमीटर, भगवान जाने 70 मीटर के बाद में, और यहाँ पर मैं नेविगेशन जैसे करूँ ऑन तो नेविगेशन में ये बताता रहता है प्लीज़ लॉन्च दी नेविगेशन ऐप इन योर स्मार्टफोन। अब भाई इसके सामने ही तो मैंने ये लॉन्च करके रखा हुआ है, इसे यहाँ पर लेना चाहिए, लेगा, मुझे पता है ये लेगा, लेकिन ये आधे घंटे बाद आराम से जब इसका मूड होगा तब लेगा, और तब तक आप वैसा 100-200 किलोमीटर आराम से निकाल चुके होंगे। ज़्यादा बोल दिया, 100-200 तो नहीं, लेकिन 15-20 किलोमीटर आप व्यक्ति आगे निकल जाएगा जब तक ये यहाँ पर शो करेगा। सो ये बिल्कुल ही वाहियात ऐप है, बिल्कुल रद्दी ऐप है, और इस वाले ऐप में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ,
वो ये है कि आप अपनी कार के लिए एक मोबाइल होल्डर ले लें, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, और उसमें एंड्रॉयड ऑटो का एक ऐप आता है, आप चाहें तो उसे यूज़ कर लें। उस वाले यहाँ पर आप मोबाइल को कुछ इस तरीके से फिट करेंगे तो उसमें आपको कॉल का ऑप्शन, आपको मैप्स का ऑप्शन, आपको नेविगेशन और म्यूज़िक सब कुछ देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे, और बिल्कुल आपके एंड्रॉयड ऑटो की तरह काम करेगा, आपको फील नहीं होने देगा। ब्लूटूथ से अगर कनेक्टेड है तो सारी वॉइस रिकॉग्निशन, गूगल असिस्टेंट भी आपको उसमें आपको काम करेगी। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ये अभी कहाँ भटक रहा है भाई, वैसे 3D में अच्छे खासे मैप्स आते हैं इसमें, बेहतरीन मैप तो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन फिर भी काम के नहीं तो हमारे क्या मतलब कितनी भी अच्छी क्वालिटी के हों। सो ये इसका एक ऑप्शन था, मैंने आप लोग को बता दिया अपने हिसाब से, और मैं इसे पर्सनली कभी यूज़ करता नहीं हूँ, मैं गूगल मैप्स का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि किसी किसी सिटीज़ में ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है। सो ये था मेरी तरफ से कनेक्ट नेक्स्ट ऐप का रिव्यू। हालांकि ये टाटा टियागो XZ इस वाले मॉडल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो इसमें टच स्क्रीन वाला सिस्टम देखने को मिलता है ना, उसमें कनेक्ट नेक्स्ट ऐप काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, और उसमें आपको AC वगैरह का कंट्रोल और छोटे मोटे कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उनमें काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन इस वाले सिस्टम में इससे काम लेना काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर है। सो ये था कुछ ओवरऑल रिव्यू कनेक्ट नेक्स्ट सिस्टम का, इतना ही था आज वाली वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।